दूसरा सैमुएल 12वां बाब। और खुदावन ने नातिन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर, दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पिठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ भड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के हां कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके हां आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके हां आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेंगे, क्योंकि तूने तो छुपकर ये किया पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातिन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातिन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं, तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातिन अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो ओरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदावंद से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और सातवें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उसने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी, बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा।
पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे, पर अब वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बैतसबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोबत की और उसके एक बेटा हुआ और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा और वो खुदावंद का प्यारा हुआ और उसने नातिन नबी की मारिफत पैगाम भेजा। सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातिर यदि यदा रखा और युआब बनियामून के रब्बा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया। और युआब ने कासिदों की मारिफत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया, बस अब तू बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमा जन हो और इस पर कब्जा कर ले, ता ना हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रब्बा को गया और उससे लड़ा और उसे ले लिया, और उसने उनके बादशाह का ताज उसके सिर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का एक कंतार था और उसमें जवाहर जड़े हुए थे। सो वो दाऊद के सिर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकालकर उनको आरों और लोहे के हींगों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पजावे में से चलवाया, और उसने बनियामून के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए।